हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारे बच्चे हमारी लाइफ में कितने मायने रखते हैं ये सब कुछ तो आप जानते हो। मोबाइल हर कोई यूज करता है, मोबाइल के कितने साइड इफेक्ट हैं, कितने बेनिफिट हैं आप सब जानते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो गूगल प्ले स्टोर है हर किसी के मोबाइल में होता है, मतलब गूगल प्ले स्टोर में कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो करनी है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें पता नहीं होता फ्रेंड, बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं, बच्चे गेम खेलते रहते हैं तो बीच में कुछ ऐड वगैरह आ जाती है और बच्चे ठग से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं वो गेम कुछ ऐसी होती है, कुछ अडल्ट टाइप की गेम होती है जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। मेरे चैनल पे हमेशा मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको, आपका और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, कोई ऐसी संगत में बच्चा ना पड़ जाए और आपको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो भी मोबाइल यूज करने। आपको पता है भी आप नया नया फोन लेते हो, बहुत जल्दी फोन खराब हो जाता है, उसकी कारण क्या होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन रहती है जिसमें बहुत ज्यादा वायरस होते हैं। वायरस क्या कहते हैं, हमारे फोन के लिए बहुत ज्यादा हार्म होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ। एक तो आपके लिए जो आपने अपने जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जो आप पहली सेटिंग को ऑन कर लोगे तो उससे वो क्या करेगा, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो वो उसको मतलब के स्कैन कर देगा ताकि उसमें वायरस है या नहीं है, जो जिसमें वायरस होगा उसको अपने आप हटा देगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरी सेटिंग ये है भी जैसे आपका बच्चा कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कुछ भी आप देख रहा है, गेम खेल रहा है या कोई चीज वीडियो देख रहा है, तो उसमें क्या आ जाते हैं, आपको पता ही ऐड आती रहती है। ऐड की वजह से कुछ ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी वीडियो आ जाती है जो बच्चे अडल्ट होती है, मतलब कि आपके बच्चे के देखने लायक नहीं होते। कुछ गंदा बंदा नंगे कपड़े पपा के पता नहीं क्या कुछ दिखाते रहते हैं। आप सब समझदार हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस चीज को हम कैसे बंद कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी बच्चा वैसी चीज ना इंस्टॉल कर सके। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्लियर कर सकूं भी आपने कौन सी सेटिंग ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वहां पे आपको मैं दोनों सेटिंग इन डिटेल में बताने वाला हूं। फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पास सबसे पहले पहुंच सके। चलो फ्रेंड, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये दोनों सेटिंग। देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो पहली सेटिंग मैं बताने वाला हूँ जो आपने अपने फोन में करना है, जहाँ ये ऊपर आपके गोल्स आइकन बना होता है, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एक प्ले प्रोटेक्ट नाम का एक ऑप्शन रहता है, जैसे हम इसको ओके करते हैं तो जहाँ ऊपर लिखा भी रहता है टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट स्कैनिंग, इसका मतलब यही है भी जब हम फॉर योर सिक्योरिटी टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट चेक ऐप फ्रॉम आउटसाइड द प्ले स्टोर, मतलब ये बताता है भी जो प्ले स्टोर से आउटसाइड एप्लीकेशन आती है इसको ये स्कैन कर देगा ताकि उसको हटा सके। तो इसको आपने ऑन करके रखना है। जैसे ऑन कर देंगे तो इसमें आपके फोन में जितनी भी इंस्टॉल एप्लीकेशन होगी, जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगी जिसमें वायरस होता है उसको स्कैन कर देगा। ये स्कैन जहां तो हो गया, जहां से जैसे ही इसको ऑन कर देते हैं, जहां ऊपर सेटिंग में जाने के बाद इनको भी आपने ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, पहली सेटिंग तो ये होगी। इसका बेनिफिट ये रहता है भी आपके फोन में जिस किसी भी एप्लीकेशन में वायरस होगा ये उसको स्कैन कर देगा, तो इससे आपके फोन की लैब बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो आपका पूरा डाटा ले लेते हैं आपके फोन से। आपको में जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जरूरी फैमिली की फोटो वगैरह होती है जो पूरी लीक हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं किसी नेट पे पड़ी हुई है तो बहुत हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है। अभी दूसरी चीज फ्रेंड, जो आपने अपने बच्चे को देने से पहले करना है, इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, वही गोल आइकन पे जाना है, वह करके दिखा रहा हूँ, ये वाले आइकन पे जाना है जहाँ पे आपका ईमेल का एक आइकन बना होता है, उसके बाद हम जहाँ सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद फ्रेंड, जहाँ आप देख लो कि चौथे नंबर पे सेकंड लास्ट पे एक फैमिली का ऑप्शन रहता है, इसको हम जैसे ओके करेंगे तो जहाँ थर्ड नंबर पे पेरेंट्स कंट्रोल लिखा होता है, पेरेंट कंट्रोल के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे तो जहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां से हमने इसको ऑन कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ऑन करने के बाद जहां एक आपको एक पिन सेटअप करने के लिए बोलेगा, ठीक है, जहां से आपने एक पिन सेटअप कर देना है, जैसे मैं 1 2 3 4 कर दिया, उसके बाद री एंटर करने के लिए बोलेगा 1 2 3 4, आप कोई भी जहां पे लगा सकते हो, पैटर्न लगा सकते हो।
क्योंकि इसका मतलब ये होगा कोई ऐसी एप्लीकेशन, अगर आपका बच्चा आपको गेम देख रहा है कोई ऐसी एडल्ट एप्लीकेशन आ भी जाएगी तो सबसे पहले आपसे ये पिन मांगेगा। जब तक आप पिन नहीं भरोगे तो वो एप्लीकेशन ना तो वीडियो प्ले होगी ना वो एप्लीकेशन को मतलब इंस्टॉल होगी। ये बहुत सेफ्टी का पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, जहां ऐप एंड गेम लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, जहां से आप चूज कर सकते हो भी आपका बच्चा कितनी एज तक है, मतलब 3 साल के तक है तो आपने मतलब जहां से इन सभी को हटा देना है, ठीक है। तो जहां से हटा देना है मतलब कि ये आपका बच्चा हो गया मतलब 3 साल तक के बच्चे से लेवल की एप्लीकेशन शो करेगा। अगर आपका बच्चा 7 साल तक का है तो जहां से हम क्लिक करेंगे तो 7 साल की बच्चे के लिए कौन सी एप्लीकेशन जरूरी है उसको ही यहां पे शो करेगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से 18+, तो जहां पे मान लो मेरा बच्चा 16 साल के ही एज तक है, मैं इसको यहां से सेव कर देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज फ्रेंड, फिल्म वगैरह जो मतलब ये प्ले स्टोर पे फिल्में वगैरह आती रहती है दिखाते हैं, अभी सर आप परचेज कर लो, कुछ परचेज वाली पैसे वाली होती है, पेड होती है, कुछ फ्री होती है, वो कौन सी फिल्में दिखानी चाहिए जहां से भी ये उसी लेवल का दिखाया गया, इसको मतलब उसको एज के अकॉर्डिंग दिखाया गया था जो ऐप है, इसको भी आप वैसे ही मान सकते हो, ठीक है। जो यू है वो ज्यादा मतलब की छोटी उम्र का बच्चा है उसके लिए होती है, जू है जो मतलब की तकरीबन 8-10 साल का बच्चा होता है, जो ए है 16 साल के बच्चे की लगभग होती है, जो एस है ये मतलब अडल्ट में आ जाती है, ठीक है। इसको भी आप जहां से ओके करके रखो, जहां से तो इसको कर दो सेव, जिस भी एज का आपका बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे आप इसको ऑन करके रखोगे तो जहां पे आपको वही एप्लीकेशन दिखाई देगी जो आपके बच्चे के लेवल की है, जो आपका बच्चा देख सकता है, जो बच्चे के मतलब के उसके लिए कुछ ऐसा अडल्ट कंटेंट नहीं आएगा जिससे मतलब उसका फ्यूचर खराब होने के मतलब के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। बड़ी कमाल की ट्रिक है, इसको आप अपने फोन में अप्लाई करके रखो और मजे लो जिंदगी के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा ऐसी रियल और जेन्युइन वीडियो रहती है, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।